हाँ तो भाई मेरे, अभी हम लोग ईमेल प्लगइन सेटअप करने वाले हैं, ठीक है, अपने स्ट्रैपी प्रोजेक्ट में। बहुत ही सिंपल, इसको सेटअप करना भाई बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपको ना वेबसाइट ओपन कर लेना है, या फिर आप गूगल में सर्च करोगे मेलजीट करके, ठीक है। तो मेलजीट करने से यहाँ सर्च आ जाएगा, इसको होम पेज आपको ओपन कर लेना है, और आपको ना साइन अप कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करोगे और आपको डैशबोर्ड यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे सिंपली आपको साइन अप कर लेना है। भाई मेरा तो ऑलरेडी लॉग इन, इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है, जो भी हो, बट आपका ना साइन अप करना पड़ेगा। मतलब मेरे को लगा था यहाँ पे साइन अप पे जाएगा, मैंने लॉग इन ऑलरेडी करके रखा, भाई देखो सेम पेज ओपन हुआ था, है ना। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये डैशबोर्ड इस तरह का मिलता है, तो आपने इसमें साइन अप कर लेना, बहुत सिंपल है। और साइन अप करने के बाद, ठीक है, साइन अप करने का तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ईमेल का ना सेटअप करना पड़ता है, बहुत सिंपल। आपको डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, मेरा अकाउंट है, और सिंपली आपको अकाउंट सेटिंग पे जाना है, ठीक है। अकाउंट सेटिंग पे आप जाओगे, फिर क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे एसएमटीपी एंड सेंड एपीआई सेटिंग, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लोगे, तो क्लिक करने के बाद ना भाई देखो यहाँ पे सिंपल है, आपको यहाँ पे एपीआई की वगैरह दिखने वाला है। बात ये है ना कि मैंने, अब देखो ये चीज़ मैंने बना के रखा हुआ है, फिर से मैं दूसरा ईमेल यूज़ करूँगा और फिर से साइन अप करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट वो थोड़ा ट्रस्टेबल लगता है। ट्रस्टेबल इन द सेंस कि आप देख रहे हो कि कैसे कैसे होगा, मतलब मेरे को नहीं पता ना कि आप साइन अप करोगे तो आपको यही चीज़ दिखेगा या नहीं दिखेगा। कमेंट करना अगर कुछ इशू होता है तो भाई नीचे कमेंट करना कि भाई ईमेल वगैरह नहीं हो पा रहा है ये का ईपीआई का, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इसके बना प्रोजेक्ट चलेगा, नहीं बिल्कुल चलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो जो फीचर वो चाहिए, तो सिंपल है, इस तरीके से आता है यूआई यहाँ पे। और देखो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ से चाहिए, एपीआई की चाहिए, ठीक है, और एक चीज़ चाहिए सीक्रेट की। सीक्रेट की क्या होगा कि भाई जनरेट नहीं होता, तो मतलब आपको जनरेट करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये आपको मिल जाता है। तो सी ऑल एपीआई क्रेडेंशियल्स में क्लिक करना है, ठीक है। और होप कि आपके साथ भी ऐसा ही दिखे, मतलब ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं लॉग इन कर लिया, हो सकता है आपको ये चीज़ दिख नहीं रहा हो, या फिर आपको कुछ और वहाँ प्रोसेस करने बोला गया, या फिर आपको वेट करने बोला गया होगा। होता नहीं एपीआई की में कि एक दिन वेट कीजिए, या फिर जब तक अप्रूव नहीं होता, ऐसा कुछ होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। होप कि ऐसा आपके साथ ना हो, आपको भी मेरे जैसा यहाँ पे इजिली मिल जाए एपीआई की, ठीक है। तो यहाँ पे उसका तो आपको एपीआई की मिलेगा, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे सी पे क्लिक करके कॉपी अभी करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, फिर ये सीक्रेट की, देखो सीक्रेट की क्या होता है कि यहाँ पे ना सीक्रेट की रहता है, सीक्रेट की को भी चाहिए, तो सेटिंग में क्लिक करना है। मेरा यहाँ पे रीसेट सीक्रेट की, रीसेट सीक्रेट की आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर दिया। आपका यहाँ पे कुछ आएगा कि जनरेट है सीक्रेट की, ऐसा कुछ आएगा, और वो ना पॉपअप में मॉडल में दिखेगा, और आपको उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके कहीं नोटपैड में सेव कर लेना, कहीं फाइल में, क्योंकि उसके बाद वो नहीं आपको दिखेगा, उसका इस तरह से आएगा, फिर से रीसेट करना पड़ेगा, समझ गया। तो इसीलिए तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, मतलब कि मैं ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट बनाया, मैं अभी वहाँ से उठा के यहाँ डाल दूंगा, मतलब अपने ये जो अभी हम लोग सीख रहे हैं इस पे, ठीक है। तो मेरे को इशू नहीं है, बट आप कॉपी कर लेना, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये तो मिल जाएगा, आप सी इस आई बटन पे क्लिक करोगे दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट करके पूरा कॉपी कर लेना, आई बटन पे क्लिक करने का सारा दिखेगा, है ना। और उसके बाद कॉपी कर लेना इसको पहले, उसको नोटपैड पर कहीं लिख, मतलब पेस्ट कर देना, फिर सीक्रेट की जनरेट करना है, यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आएगा कुछ ऑप्शन की जनरेट सीक्रेट की। ये करने से आपको यहाँ पे मतलब मॉडल खुलेगा और सीक्रेट की दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना इसी ऐसे ऐसे ही, और नोटपैड में पेस्ट कर लेना, ये दो की को आपको रख लेना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, ये हो जाने के बाद मैं अभी क्या करता हूँ, जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करता हूँ। रुको, ये रहा क्वेश्चन बैंक, इसको हम लोग ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते नहीं, यहाँ बैकएंड में जाते हैं। अभी फ्रंट एंड शुरू नहीं किए, तो कम से कम बैकएंड के अंदर जाकर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड में आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको क्या कैसे कैसे यहाँ पे सेटअप वगैरह करना है मैं बताता हूँ आपको ना, और एक चीज़ सर्च करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ आप नोटपैड में लिख लेने के बाद आप गूगल पे सर्च करोगे ना, गिटहब मेलजेट स्ट्रैपी, तो यहाँ पे इस तरह का पहले आएगा, देखो लिंक ये मैच करा लेना। बहुत सारा प्रोवाइडर आता है, मेरे को नहीं पता, मैंने ये ट्राई किया तो मेरे से ये हो गया, तो बहुत सारा प्रोवाइडर है, देखो आपको दिख रहा है। तो सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना इसका मेल प्रोवाइडर, ठीक है। ये लाइन को कॉपी कर लो, अगर एनपीएम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करो और यहाँ पेस्ट कर दो ये लाइन, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दो। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक जितना टाइम लगे लेने दो। तब तक क्या करना है आपको, यहाँ बोल रहा है पाथ कॉन्फिग स्लैश प्लगइन्स डॉट जेएस, ठीक है। कॉन्फिग में एक फाइल बनाना है प्लगइन्स डॉट जेएस, जो कि नहीं बना हुआ है भाई, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लगइन्स डॉट जेएस, यानी जावास्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ पे ये भाई इस कोड को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अभी टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं, उसको होने देते हैं इंस्टॉल, भाई लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, तब तक अपने यहाँ काम कर देंगे, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है। जो है वही रहेगा, ये कमेंट वगैरह हटा सकते हो, ऐसे दिया कि आपको अगर एक्स्ट्रा कोड लिखना है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक की चाहिए और सीक्रेट की चाहिए, ठीक है, दो चीज़ चाहिए, पब्लिक की और सीक्रेट की, जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, ये हो गया आपका पब्लिक की, ये हो गया सीक्रेट की, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे आपको देना, आई बटन पर क्लिक करोगे दिख जाएगा, कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करना जनरेट सीक्रेट की का ऑप्शन आएगा उस वक्त आपके पास, तो सिंपली उसमें करना मॉडल आएगा, मॉडल में से सीक्रेट की कॉपी कर लेना, फिर उसको नोटपैड में पेस्ट कर देना, वो तो आपका हो जाएगा सीक्रेट की, और जो पहला वाला था ये पब्लिक की। तो यहाँ पेस्ट नहीं करना, मैं बताता हूँ कहाँ पेस्ट करना, भी रुक जाओ।
तो यहाँ जैसा वैसा ही रहेगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो सेटिंग में, कि डिफ़ॉल्ट फ्रॉम नेम, यानी किसके थ्रू जा रहा है फ्रॉम, है ना। तो डिफ़ॉल्ट फ्रॉम आप दे सकते हो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्योंकि मान लो हमारा जो प्रोजेक्ट या जो हमारा मान लो भाई प्रोडक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ही तो है ना, तो भाई डिफ़ॉल्ट फ्रॉम दिखेगा यूज़र को, क्योंकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ पे ना, मतलब API में लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। क्या डिफ़ॉल्ट फ्रॉम नेम, डिफ़ॉल्ट फ्रॉम नेम, अच्छा नेम मतलब वही ना किसका नाम से जा रहा है, तो सुब्रतो भी सौ से लिख देते हैं, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट टू ये दोनों देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो जाएगा वो एक इंसान को थोड़ी ना जा रहा है, वो तो रैंडमली भाई जो सबमिट करेगा क्वेश्चन पेपर वो अप्रूव होगा उसको जाएगा ना, तो भाई यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तब तक देखते हैं यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो गया, हाँ इंस्टॉल हो गया, इसको अब मिनिमाइज़ करते हैं और इसको जो है सेव करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। हो सकता है प्रोजेक्ट में हमारा एरर वगैरह कुछ आ जाए, हाँ देखो क्योंकि बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो एरर आएगा, हाँ हम लोगों ने की तो ऐसा दिया नहीं, वही इशू होगा जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। द बैच फाइल इज़ नॉट फाउंड, पता नहीं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं cd backend और यहाँ लिखते हैं npm run develop, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं स्टार्ट होता नहीं होता। हमें की भी देना था ना, की कहाँ दिए भाई, तो की के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइड बार को ओपन करते हैं, अरे ओपन तो हो जा, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको env फाइल मिलेगा, इन्वायरमेंट फाइल, ठीक है, env.env फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले ये प्लगइन्स में जाओ और भाई प्लगइन्स में जाके ये जो दोनों की का नाम है इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि यहीं से ये खोजेगा उठाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू लिखो और फिर भाई प्लगइन्स में जाके ये की को उठा लेते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, डबल कोट यहाँ से हटा दो। अब पब्लिक में पब्लिक की को पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, ये रहा पब्लिक की, और सीक्रेट की में भाई ये तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट में वो पड़ा होगा, हम वहाँ से उठा लेते हैं सीक्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सीक्रेट की को पेस्ट कर देते हैं, तो भाई ये हो गया दोनों पब्लिक की सीक्रेट की। तब तक देखते हैं क्या, हाँ यहाँ पे तो एरर आएगा भाई, वो फाइल नहीं मिला, इसीलिए env फाइल में की नहीं मिला होगा। अभी फिर से रीस्टार्ट करते हैं, मतलब npm run develop इस बार नहीं होगा एरर, ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये आ गया, एड यू एडमिन यू आई बिल्ड सक्सेसफुली, भाई हो गया, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये तो भाई हो गया, अब इस फाइल को क्लोज करते हैं, प्लगइन्स को भी मतलब क्लोज़ करते हैं, यहाँ का काम खत्म हो गया। अब वापस जाते हैं और कहाँ पे था भाई हमारा डैशबोर्ड, ये था, इसको अगर रिलोड करोगे तो आपको एरर नहीं दिखेगा या फिर कुछ ऐसा नहीं कि भाई काम नहीं कर रहा, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। ईमेल का हमारा प्लगइन सेटअप हो गया। अब देखो, अब हम लोग चाहते हैं क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जो मैं बोल रहा था, अब देखो फ्रंट एंड तो अपना बनानी है, ठीक है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि यूज़र ने कोई फाइल सबमिट किया, ठीक है, यूज़र ने किसी फाइल को सबमिट किया, ये कंट्रीब्यूशन करना चाहे कोई यूज़र, और भाई वो यूज़र जो है फाइल अपना सारा डिटेल्स के साथ सबमिट करता है कि इसको जो है आप डाल दो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, कुछ भी अगड़म बगड़म कोई डाल देगा, कहने का मतलब है ना, तो अप्रूव यहाँ से करेंगे, तो उस सिचुएशन को कैसे यहाँ पर हम लोग भाई मतलब विजुअलाइज करेंगे, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, देखो यहीं से क्रिएट करेंगे, बट उसको ना हम लोग कैसे करेंगे पता, उसको पब्लिश नहीं करेंगे, ड्राफ्ट रखेंगे, और ड्राफ्ट का जैसे पब्लिश होगा तो उसके बाद जाके जो है उस यूज़र को मतलब ईमेल जाएगा, तो यहाँ पे यूज़र ने हम लोग चेंज कर देंगे, समझ गए। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कन्फ्यूजन की भाई क्या सीन बन रहा है, तो फिर इसका एक नुकसान ये हुआ कि जब जब यहाँ पे एडमिन भी पब्लिश कर रहा होगा, ठीक है, एडमिन तो डायरेक्टली पब्लिश करेगा ऐसे भी देखा जाए तो, बट एडमिन मान लो ड्राफ्ट में रखकर फिर एडमिन ही पब्लिश किया तो उसको भी खुद मिल जाएगा, तो उसका भी सिचुएशन निकालेंगे, उसका भी कंडीशन देंगे, टेंशन मत लो। बट फिलहाल के लिए आप सिचुएशन को उसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पता, बट टेंशन मत लो, ईजिली समझेंगे। इतना जान लो कि हमारा जो ईमेल भाई प्लगइन है वो सेटअप हो चुका है, अब वो काम करेगा नहीं करेगा वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा ना भाई, ठीक है, वो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। देखो ये कुछ है यहाँ पे, तो इसको टेस्ट करना होगा, ऐसे रैंडमली भाई क्या ही टेस्ट करें, तो इसको अच्छे से टेस्ट करते हैं ना, जब टेस्ट करना ही है तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, देखो एक ना क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर स्टेप बाय स्टेप समझो, समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है पता है। मान लो कि कोई यूज़र है, ये मान लो देखो फ्रंट एंड तो बना नहीं ना है भाई, सबमिट का जो मॉडल दिखाया था, तो इसी को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो हम लोग ऑथर का नेम चेंज करते हैं, मान लो ऑथर का नेम भाई कुछ और है, जैसे क्या ही दे, ऑथर का नेम मान लो सुब्रतो विश्वास है, या फिर कुछ और दे देते हैं भाई, मेरा ही नेम है सुब्रतो विश्वास, जैसे देते हैं विवेक कुमार, ठीक है, विवेक कुमार इस तरीके से देते हैं। और ईमेल पे भाई आप रैंडम ईमेल नहीं देंगे, ईमेल पे वही ईमेल देंगे जो मेरा है, ताकि उसमें ईमेल जाएगा तो कैसे टेस्ट करेंगे ना। फिलहाल के लिए भी कुछ भी देते हैं, फिलहाल के लिए इसलिए कुछ भी देते हैं कि पहले देखेंगे कि कैसे क्या ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको रैंडम चूज़ करते हैं, अब ईमेल टेस्ट करने से पहले एक चीज़ टेस्ट कर लेंगे जो आपको समझाने वाले हैं, जैसे मान लो क्लास 3 है, स्टेट मान लो झारखंड दे रहे हैं, सिटी रांची,
और यहाँ पे एसेट तो वही फाइल पड़ा होगा, वही सेम फाइल को चूज़ कर लो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जब ना जब सेव हो, सेव होने का दो चीज़ होता है, सेव हो गया ड्राफ्ट मोड में, फिर आप जब पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो तो पब्लिश होता है, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट में और एक पब्लिश में, तो हम लोग चाहते हैं जब ना ये पब्लिश हो, ठीक है, पहले तो ड्राफ्ट मोड में जाएगा फिर पब्लिश होगा, तो जब पब्लिश होना तब हमें भेजना है ईमेल, ठीक है। तो अभी के लिए ईमेल नहीं भेजते, अभी के लिए जस्ट कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं क्या ये होता है या नहीं होता, कैसे पता चलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पता, ये जो है भाई एपीआई में जाएंगे, देखो समझ में आ जाएगा। अभी आपको सोर्स में जाते हैं, एपीआई में जाते हैं, क्वेश्चंस में जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में जाके ना यहाँ पे जो है भाई एक फाइल बनाएंगे, क्वेश्चंस में जाके, क्वेश्चंस में जाके कंटेंट टाइप्स में, सॉरी वही तो सोच रहे थे, कंटेंट टाइप्स में जो है राइट क्लिक करना और एक फाइल बनाना है, आपका नेम देना लाइफ साइकिल डॉट जे एस, ठीक है। लाइफ साइकिल्स डॉट जे एस, इसका क्या मतलब होता है, कोई भी एपीआई बनता है ना तो जैसे मिडिलवेयर कैसे कैसे होता है, तो उसका भी एक मतलब उसी तरीके से कुछ समझ लो लाइफ साइकिल होता है, कि जैसे अपडेट हो रहा है या फिर क्रिएट हो रहा है डिलीट हो रहा है, तो ना आप उसके पहले या बाद में जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो कि कुछ हैपन हो कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर देंगे पहले, ठीक है, ताकि बाहर से इसको इम्पोर्ट कर सकें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे देंगे एसिंक फंक्शन देंगे, तो बिफोर अपडेट यानी अपडेट होने से पहले, समझ रहे हो, बिफोर अपडेट सेम यही लिखना, ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे भाई आलू प्याज टमाटर, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ट्राई कैच लगा दो, क्योंकि एसिंक लगा है ना भाई, नहीं लगाओगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर एरर आएगा तो दिखेगा नहीं भाई एक्स वाई जेड। और भाई यहाँ पे जो है, अरे यार नीचे आना, हाँ कॉन्सोल लॉग एरर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, और भाई सेव करने के बाद यहाँ यहाँ देखते हैं, द सर्वर इज रिस्टार्टिंग दिखा रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो गया सर्वर, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अभी तक सेव नहीं किया था, सेव करते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे पब्लिश करेंगे ना तो श्योर यहाँ पे कुछ आना तो चाहिए था भाई। रुको रुको रुको, या तो ऐसे नहीं होगा, रुको, क्योंकि इसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं यूज़र के मॉडल के थ्रू, ठीक है। रुको अनपब्लिश करते हैं, वो अपडेट का था ना, इस कंफर्म, रुको इसको बैक जाते हैं। अब ड्राफ्ट में मान लो यूज़र ने डाला, ऐसा मान के चलते हैं कि यूज़र ने उधर फ्रंट एंड से पोस्ट किया कोई चीज़ कि भाई मेरे को ये फाइल अपलोड करना है, यहाँ पर एडमिन में आ गया, ठीक है। अब अगर पब्लिश पर क्लिक करते हैं भाई, कॉन्सोल लॉग नहीं हो रहा है, बिफोर देखो देखते हैं, सही तो था सब कुछ, बिफोर अपडेट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एसिंक बिफोर अपडेट, बिल्कुल सही तो है भाई, लाइफ साइकल्स डॉट जे एस, सही तो है, फिर हो क्यों नहीं रहा है, ये क्या हो गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक और बार ट्राई करके देखते हैं, तो फिर कोड चेक करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, क्रिएट न्यू, यहाँ पे जो रहे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक ईमेल तो भेज ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, रैंडम एक टेस्ट करते हैं, रुको। रुक जाओ भाई रुक जाओ, होगा तो ज़रूर होगा, कैसे नहीं नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वापस जाते हैं यहाँ पे, इसको ड्राफ्ट में इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, कॉन्सोल लॉग मतलब नहीं हो रहा है, यही मतलब हुआ इसका, और क्या। अच्छा कुछ अगर अपडेट भी करते हैं, अगर उसमें अपडेट भी लगा हुआ है, ऐसा कुछ देते हैं, तब भी क्या नहीं होगा, नहीं तो अब कोड को चेक करते हैं, रुको, अरे भाई देखो गलती हो गया, कोड सही है, कोड सही है यार, ये मैं कंटेंट टाइप्स के अंदर क्वेश्चंस के अंदर था, मतलब जो स्कीमा उसके बगल में रहेगा, जो मैंने फॉरम में चेक किया था, हाँ तो इसको मूव कर देना, सब सही है भाई, सब सही है, सब एक नंबर है, ठीक है। चलो इस बार देखते हैं, इस बार हो जाएगा, सब बढ़िया भाई, वही तो सोच रहे काम क्यों नहीं कर रहा, जो फॉरम में चेक किए थे उस पर उसी तरीके से किसी ने आंसर लिखा था, हाँ तो भाई क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो चलो रहने दें, जो है सो है, मान के चलो यूज़र का नाम डालो भाई, मान लो कुछ देर के लिए बस, अभी अभी कॉन्सोल लॉग करना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, सेट में कुछ भी दे दो, स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे जो है फाइल चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और पब्लिश करेंगे, तो भाई आएगा तो ज़रूर, यार नीचे आ जाइए, देखो आ गया,
ठीक है। तो जैसे ड्राफ्ट से ना, जैसे पहला मोड तो ड्राफ्ट होता है, और ड्राफ्ट से जैसे पब्लिश करोगे ना तो ये चीज़ होता हिट होता है, देखो बिफोर अपडेट, ठीक है, जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कोड में भी लिखा था बिफोर अपडेट, और सब बहुत कुछ मिलता है। अब जब गौर से इसको देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो मैं बताता हूँ क्या क्या स्पेशली आपको देखना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ज़्यादा इधर उधर मत देखो, सीधा देखो, यहाँ पे वेयर मिलता है और डेटा मिलता है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो इसमें ना भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा में अपडेटेड भाई कितना बार अपडेट किया गया, मतलब वो आएगा पब्लिश एट, कब पब्लिश है, कब अपडेट किया गया, और उसका आईडी मिलेगा आपको वेयर में, ठीक है। तो अभी आपको कुछ समझ, अभी भी कॉन्सोल लॉग हो गया, लेकिन आपने फिर भी भाई वो होता है सेंसलेस स्टेप से, समझ भी नहीं भाई हो क्या रहा है, मतलब ठीक है देख रहे हैं कोड कर रहे हैं, अभी देखो अभी पूरा क्लियरली समझाते हैं। तो जब यूज़र, जब एडमिन बोल सकते हो आप, जब जब यूज़र जब सबमिट करेगा ना कोई भी क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर वो सबमिट करेगा भाई, तो उसका जो है पब्लिश एट हम लोग नल करवा देंगे, मतलब पब्लिश एट नहीं देंगे। इसमें क्या ट्रिक है, अगर पब्लिश एट हम नल भिजवाते हो फ्रंट एंड से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि भाई क्वेश्चन जो है पब्लिश नहीं होगा, आएगा जरूर, ऐड होगा, ठीक है, आएगा जरूर, सब जगह हो जाएगा, आप यहां से एडमिन देख सकता है, बट वो पब्लिश एट है नहीं, तो पब्लिकली एपीआई में शो नहीं होगा, बट यहां पे आएगा, तो एक तरह से ड्राफ्ट मोड में आ जाएगा, जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अब फिर देखो यहाँ ड्राफ्ट मोड में आएगा, अब जब ड्राफ्ट मोड में आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, यानी पब्लिश कर देंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से रहेगा, देख कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इस तरीके से दिखेगा, मतलब क्या कैसे बोलूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा ड्राफ्ट, ठीक है। यूज़र जो उधर से पुश करेगा ना फ्रंट एंड से, हम लोग ओपन करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब जैसे पब्लिश करेंगे तो भाई हमारे यहाँ पे एपीआई में, यहाँ मतलब यहाँ पे तो ऐसे नहीं कॉन्सोल लॉग होगा, बट कहने का मतलब है तब वो बिफोर अपडेट अपडेट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जब बिफोर अपडेट कॉल होगा ना, तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो पहले से, मतलब उसका चेक करेंगे क्या पब्लिश इट नल था, क्योंकि अभी तक तो कॉन्सोल लॉग में आ गया पब्लिश है, ठीक है। तो हम लोग पहले का डेटा उठाएंगे, मतलब इससे पहले का, ठीक है, मतलब कि पहले का डेटा नहीं करेंगे, मतलब इसी को उठाएंगे, इसमें जब पब्लिश एट आ गया ना, तो पब्लिश हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे क्या सक्सेसफुली पब्लिश हो गया, तो पब्लिश एट चेक करेंगे कि नल नहीं है, यानी पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो अगर पब्लिश हो चुका है तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर पब्लिश में कुछ मतलब आ गया तो मतलब यानी नॉट इक्वल टू नल, तो सिंपली हम लोग भाई ईमेल भेज देंगे, ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए। अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा पता है, ठीक है, इसको भी ठीक करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड का हमारा पूरा बना नहीं ना एप्लीकेशन, इसीलिए आपको लग रहा होगा। तो अभी अभी भी अब एग्जैक्टली विजुअलाइज करते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोग को भेजना हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र जो है फ्रंट एंड में इस तरह का मॉडल ओपन किया, ऐसा नहीं मान के चलो मॉडल ओपन किया, तो यूज़र अपना फिल किया, जैसे हम देते हैं विवेक कुमार, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ जैसे विवेक एट द रेट gmail.com रैंडमली, ठीक है, बोर्ड वो देता है, ये सब मान के चलो फ्रंट एंड में हो रहा है, क्योंकि बना नहीं है, तो इस तरह विजुलाइज करते हैं अभी उसको, लेकिन ईमेल को टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है, अभी रियल वाला ईमेल डालेंगे हम, उसमें चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेट में देते हैं डी, स्टेट में झारखंड, सिटी में रांची, और फाइल इस तरीके से चूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम सेव नहीं कर रहे, रुको अभी यहाँ चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत सारा आ रहा है ना कॉन्सोल लॉग पे, तो हम यहाँ पे भाई कुछ कुछ चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। तो यहाँ पे ना जो आता है इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं पारम्स में, ठीक है, पारम्स, और यहाँ पे हम लोग जो शो करेंगे पारम्स डॉट डेटा, ठीक है, पारम्स डॉट डेटा को शो करते हैं, उसी में आपको सारा कुछ दिख जाएगा, पब्लिश एट सारा कुछ उसमें दिख जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और आपको जो है इस बार इसको रीस्टार्ट होने देते हैं सर्वर को, तो सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, और अब क्या करते हैं वापस जाते हैं इस पर, और इस पर ना सेव करते हैं। तो सेव करेंगे तो भाई कुछ आपको कॉन्सोल लॉग नहीं दिखेगा, तो एक तरह समझ लो कि यूज़र ने पुश कर दिया उधर से भाई कि उसको अपलोड करना था। तो जब हम लोग एडमिन पैनल खोलेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा ड्राफ्ट, यहाँ की भाई ड्राफ्ट, यानी किसी ने भाई विवेक कुमार नाम का कोई होगा स्टूडेंट जिसने भाई उसका ईमेल लिया है और उसने एक अपलोड किया, तो हमारे पास खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम ही ने इसको फिल किया, बट मान के चलो उधर से यूज़र ने किया, ऐसा आएगा जब हम लोग फ्रंट एंड शुरू करेंगे, क्योंकि अभी है नहीं फ्रंट एंड हमारा कुछ, तो हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो बस एडमिन को क्या करना है, पब्लिश करना, पब्लिश बटन पर क्लिक करेगा, पब्लिश हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको उसके बाद आपको इस तरीके से मिल जाएगा, कॉन्सोल लॉग मिला पब्लिश एट इतना बजे इतना तारीख को पब्लिश हो गया था वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि मान लो यूज़र पब्लिश नहीं करता है, ठीक है, तो भाई मतलब समझ रहे हो, कुछ अगर अपडेट भी करता है, अगर पब्लिश नहीं भी करता है, तो भाई ये चीज़ नहीं आया ना, तो वही हम लोग चेक करें कि पब्लिश एट नल नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिश एट नल होता है, और बाय डिफॉल्ट पब्लिश एट नल होता है, इसलिए यहाँ ड्राफ्ट दिखता है। तो अभी ड्राफ्ट नहीं दिख रहा क्योंकि पब्लिश हो चुका है। अब एपीआई के थ्रू जैसे आप एक्सेस करेंगे ना, तो आपको यहाँ चार दिखेगा, अगर क्वेश्चन आप निकालोगे यहाँ पे तो आपको चार दिखेगा, आईडी जो है देखना 4 ID भी होगा, ठीक है, या फिर विवेक कुमार का होगा, ठीक है, ये देखो विवेक कुमार का होगा। लेकिन अगर इसको ड्राफ्ट में डाल दोगे ना, यानी जो पहले था ड्राफ्ट में, तो नहीं दिखेगा पब्लिकली, तो यानी अब भाई वेबसाइट पे आ गया होगा,
बस हम लोग अब क्या करना है, सेम इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बस ईमेल को पुश कर देना कि भाई हाँ हो गया। तो अब जो ईमेल था ना वो ईमेल भेज देना। अब ईमेल तो हमारे पास है नहीं भाई, यूज़र ने जो ईमेल डाल के उधर से भेजा होगा फ्रंट एंड से, ये नेम ईमेल ये सब कहाँ से मिलेगा हमें, हमें तो नहीं मिल रहा है। तो अब पहले ईमेल को भी एक बार कॉन्सोल लॉग कराते हैं और उसका सीधा जस्ट ईमेल एपीआई को टेस्ट करेंगे, और जैसे ईमेल एपीआई टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा फ्रंट एंड में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो डेटा को कैसे निकालेंगे, हमें सारा डेटा मेरे मिलता नहीं। मैंने आपको शुरू में भी कॉन्सोल लॉग करके दिखाया था, आप याद होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं मिलता हमें, बस वही मिलता है भाई अपडेटेड और क्रिएटेड और वगैरह आईडी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अभी डेटा को भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक बार और कॉन्सोल लॉग करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे, फिर फ्रंट एंड में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो है कंडीशन लगाएंगे, इफ परम्स डॉट डेटा डॉट, उसके बाद क्या था भाई, पब्लिश एट, क्या था ये रहा। ठीक है, अगर पब्लिश पारम्स डॉट डेटा डॉट पब्लिश एट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, अगर नल नहीं हुआ, ठीक है, अगर नल यानी उसमें कुछ वैल्यू हुआ, ठीक है, तो हम लोग पहले प्रीवियस डेटा निकालेंगे। तो कॉन्स्ट प्रीवियस डेटा इस तरीके से, और यहाँ पे अवेट देंगे। ठीक है, और स्ट्रैपी का एपीआई एक्सेस करेंगे। ठीक है, स्ट्रैपी, ठीक है, स्ट्रैपी डॉट एंटिटी सर्विस, ठीक है, एंटिटी सर्विस डॉट फाइंड वन, क्योंकि हमें एक ही चाहिए तो फाइंड वन। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें जो है हम लोग भाई पहले भेजेंगे यहाँ पे इसका यू आई डी, तो ए पी आई देना इस तरीके से, डबल आपको कॉलन देना है, और आपको डबल कॉलन देने के बाद फिर जो जो मॉडल है हमारा बना हुआ ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन देना। ठीक है, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन इस तरीके से, ये हो गया। और दूसरा में आपको सिंपली उसका आई डी भेजना, तो लिखना है पारम्स डॉट, याद है ना दिखाए थे पारम्स डॉट वेयर डॉट आई डी, वेयर डॉट आई डी इस तरीके से। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा हमें मिल जाएगा, तो बस आपको एक बार बस कॉन्सोल लॉग करके दिखाते रहेंगे ये भी चीज़। ठीक है, और उसके बाद सीधा हम लोग ये ईमेल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जाते हैं कहाँ है भाई, यहाँ पे जाते हैं और बैक जाते हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं भाई। क्या हो गया, सर्वर ठीक तो है, अच्छा रीस्टार्ट हो रहा है, इसको एक बार रिलोड ही कर देते हैं, ये रीस्टार्ट हो रहा है, पता नहीं। क्या हो गया यार, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता है, पता नहीं। हाँ, तो भाई ये जो है सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऐसे भी स्ट्रैप ही बहुत ये लेता है। तो यहाँ पे आ गया भाई, एक क्रिएट करते हैं और फिर से इसका नेम देते हैं, मान लो विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार, और भाई ईमेल में कुछ देते हैं, vinay@gmail.com। बोर्ड में मान लो देते हैं भाई ICSE बोर्ड, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, ईयर में 2018 दे देते हैं, स्टैंडर्ड में कोई भी दे दो, सेट में भाई टी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, और फाइल में वही जो डमी फाइल था उसी को चूज़ करके यहाँ पे जो है फिनिश करते हैं। तो मान लो सेव करते हैं, तो क्या हो गया, अच्छा अच्छा यहाँ पे, तो मान लो कि भाई यहाँ पे जो है यूज़र ने फ्रंट एंड से पुश किया होगा, तो हम अब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्राफ्ट है, यानी कि यूज़र का पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ कॉन्सोल में देखें एक बार और पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको देखो ये सारा यूज़र का डेटा आ गया। ठीक है, प्रीवियस डेटा मतलब उसके थ्रू हम लोगों ने निकाल दिया, एंटिटी सर्विस के थ्रू अब डेटा को एक्सेस कर लिया, उस आईडी के डेटा को। ठीक है, 6 ID के नेम पे ये था। तो अब हम लोग को यहाँ से ईमेल मिल गया, तो हम ईमेल मिल गया तो इससे फायदा क्यों, अब इसी को तो भेजना है ना सक्सेसफुल मैसेज, कि भाई पब्लिश तो हो गया, इसको सक्सेसफुल मैसेज भेजना पड़ेगा ना, और उसका नाम भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग ईमेल पे यहाँ पे फाइनली टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई ईमेल पे कैसे वो टेस्ट होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, कॉन्सोल लॉग इसको कमेंट करके रख देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई कॉन्स्ट, एक रिस्पांस बना देते हैं ताकि आप देख सको बाद में, अवेट स्ट्रैपी। ठीक है, स्ट्रैपी डॉट प्लगइन्स, क्योंकि ईमेल प्लगइन्स में आता है भाई, प्लगइन लिख रहे हैं, प्लगइन्स में आता है ना ईमेल। ठीक है, तो प्लगइन्स डॉट ईमेल, ठीक है, ईमेल, ठीक है, प्लगइन्स डॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल हम लोग प्लगइन्स यूज़ करें, डॉट सर्विसेज, क्या हो रहा है भाई, स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है, डॉट सर्विसेज डॉट ईमेल भाई काफ़ी लंबा है, फिर डॉट सेंड। ठीक है, और आपको इस तरीके से सेंड करना है। तो अब इसके अंदर आपको बहुत चीज़ भेजना, जो जैसे कि वहाँ पे था, आप अगर देखोगे यहाँ पे था ना कैसे सेंड करना, ये रहा, देखो यहीं से तो भाई मैं देख रहा था, हाँ तो ये चीज़ था। तो यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसको भेजना है, तो भाई मेरे पास तो प्रीवियस डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, तो किसको भेजना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रीवियस डेटा से मैं ईमेल यहाँ से कर ले रहा हूँ ऐसे, कि भाई प्रीवियस डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, और किसको भेजना है उसका नाम क्या, तो प्रीवियस डेटा डॉट क्या है भाई यहाँ पे, नेम, ऑथर, 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 ठीक है, ऑथर उसका नेम। ठीक है,
ठीक है। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट का क्या है, यहाँ से मैं रुको, सब्जेक्ट के लिए ना मैंने वो जो जिस्ट दिया था आपको क्वेश्चन बैंक का एक था जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन था उसके नीचे मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये सब्जेक्ट को पेस्ट कर दो, टेक्स्ट नहीं दे रहे, सिंपल एचटीएमएल वाला है, तो एचटीएमएल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे एचटीएमएल पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखा है काफ़ी सिंपल, ठीक है, आप अपना दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, तो मतलब जो भी है सीईओ सुब्रतो के साथ या जो भी आपका नेम होगा है ना, questionbank.com और आपका फ़ोन नंबर, मतलब होता है ना लास्ट में थैंक यू वगैरह बोलते हैं, और बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है यूज़र, तो डियर यूज़र की जगह पे यहाँ पर हम लोग डॉलर सिंबल और कर्ली वर्सेस देंगे और यहाँ पे उसका नेम दे देंगे, तो प्रीवियस डेटा डॉट ऑथर नेम्स आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस डेटा डॉट ऑथर डॉट टू अपर केस कर देते हैं भाई, थोड़ा मतलब प्रोफेशनल थोड़ा लगे, रॉयल टाइप्स, मतलब रॉयल टाइप्स नहीं होता ना, मतलब जैसे फर्स्ट नेम पूरा कैपिटल में जाएगा होता है ऐसा कुछ, टू अपर केस नॉर्मल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, टू अपर केस, ठीक है। अब ये हो गया, इसको सेव करते हैं, और चीज़ करना था, रुको यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कर देते हैं, कॉन्सोल लॉग रिस्पॉन्स बाद में हटा देना या हम ही लोग हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर सब सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो जरूर जाएगा। यहाँ पे सर्वर ये स्टार्टिंग हो रहा होने दो, अभी वापस जाते हैं और ना ये जो सारा है एंट्री एक छोड़ के जो रियल में बनाया हुआ था ये वाला छोड़ के बाकी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अभी चलो टेस्ट करते हैं, तो अभी क्रिएट न्यू एंट्री करते हैं और यहाँ पे जो एडमिन की जगह पे मान लो यूज़र जो फ्रंट एंड से डाल रहा है ऐसा मान के चलो, बोले ना बार बार कि भाई फ्रंट एंड तो क्रिएट नहीं किए अभी, जब तक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद तो जब फ्रंट एंड बन जाएगा तो वहाँ से भाई जितना चाहे उतना पुश कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे नाम देते हैं मान लो क्या ही थे भाई, रुको यहाँ पे नाम मतलब क्या ही थे, अच्छा ठीक है नाम कुछ और देते हैं, जैसे कि देते हैं अंकित कुमार, ठीक है अंकित कुमार। और यहाँ पे जो ईमेल देते हैं हम अपना ईमेल देते हैं कि भाई या फिर दूसरा ईमेल देते हैं, मेरा दूसरा ईमेल देते हैं, ठीक है मेरे को ईमेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल को पेस्ट कर देते हैं और भाई यहाँ पे जो है बोर्ड चूज़ करते हैं, जैसे देते हैं जैक बोर्ड, ये रहा। सब्जेक्ट में भाई हिंदी देते हैं, ये 2015 का मान लो पेपर था मेरा उसमें सबमिट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड कोई भी दे दो, 11-12 का पेपर है। सेट बी स्टेट झारखंड सिटी रांची, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई ये फाइल को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ सही लग रहा है यहाँ पर, अब सेव करते हैं और बैक जाते हैं, तो ये ड्राफ्ट मोड में आ गया, ठीक है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत सीरियस सा माहौल है, ठीक है। अब देखते हैं इसको भाई पब्लिश करके क्या होता है। अरे भाई एरर आ गया, अरे यार छोटा सा चीज़ के लिए ऐसा एरर, ऑथर डॉट टू अपर केस इज नॉट ए फंक्शन, क्यों भाई प्रीवियस डेटा डॉट ऑथर में क्या दिक्कत था, गजब हाल है यार। मेल तो गया होगा यार मेरे को जहाँ तक लगता है, कि क्या मेल नहीं गया होगा, मैं यहाँ पे स्पैम में देखता हूँ आज, छोटा सा चीज़ के लिए इतना लफड़ा, ठीक है रुको क्या था, रुको देखते हैं भाई। प्रीवियस डेटा और ऑथर थी इसको तो यहाँ पर भी दिए टू नेम में, फिर गलत कैसे हो गया यार, अब टू अपर केस, अरे भाई स्पेलिंग का भाई इतना लफड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा एनजाइटी सा सिचुएशन बन जाता है, लैपटॉप स्लो हो जाता तो सोचते पता नहीं क्या काम कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है यार फिर से करना पड़ेगा। ओकेज हाँ, तो सर्वर जो हमारा फिर से रिस्टार्ट हो गया भाई, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार हो जाएगा, मतलब आपका हो सकता हो गया होगा क्योंकि आपका स्पेलिंग गलत नहीं हुआ होगा इतना श्योर है, तो मतलब हो गया होगा। चलो देखते हैं फिर से, यहाँ पे देते हैं अंकित कुमार, ठीक है। यहाँ पे जो ईमेल था भाई वो पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं बोर्ड जैक बोर्ड 2018 का पेपर, स्टैंडर्ड दे देते हैं कुछ भी, सेट स्टेट सिटी, ठीक है। और यहाँ पे वही फाइल को सिलेक्ट करके, अरे यार सेव करते हैं भाई, इस पर इस तरह का छोटा मोटा गलती मत हो जाना, ठीक है। ड्राफ्ट मोड में यहाँ पे है, ठीक है फोकस, इस बार पूरी तरीके से भाई पब्लिश करते हैं, चलो हो रहा है, इस बार लगता हो जाएगा। ओकेज भाई क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, अरे यार एरर किस लिए आ रहा है, क्या क्वेश्चन बैंक इज एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस, भाई रुक जाओ यार ये काफ़ी बड़ा सीन क्रिएट कर दे रहा है,
ओके ओके ओके, अब समझ में आया। अच्छा, ठीक है, बस भाई श्योर बोल रहा हूँ ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद एरर नहीं आएगा। देखो बता रहा हूँ किस लिए एरर आया। समझ गया भाई, समझ गया, वो देख के समझ गया मैं। तो यहाँ पे जो था ना, कहाँ था भाई, प्लगइन्स 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 कहाँ गया यार, कॉन्फ़िग में था, सॉरी कॉन्फ़िग में प्लगइन्स था। तो यहाँ पे जो नहीं, कहीं तो था, यहाँ पे कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन बैंक ईमेल कुछ तो है, रुक जाओ मैं बताता हूँ, कहीं तो ये बता रहा था ना कि एरर इनवैलिड ईमेल एड्रेस, कहीं तो गलत ईमेल एड्रेस डाला था। रुको रुको भाई, क्वेश्चन बैंक इज़ एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस फ्रॉम ईमेल डिफ़ॉल्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, ओ अच्छा यही तो था भाई, डिफ़ॉल्ट फ्रॉम, अरे यहाँ पे क्वेश्चन बैक नहीं लिखना था, हाँ मतलब किसके तरफ से जा रहा है मेल, ठीक है, तो यहाँ पे वही डालना है। आप कुछ भी डाल सकते हो ठीक है रैंडम, लेकिन फिर वो वेरीफाई होगा, फिर आपके मतलब ना वो मेल जेट में वो ऐड होना चाहिए कि हाँ इसके थ्रू, कुछ ऐसा थोड़ी रैंडम, मतलब यहाँ नाम था ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे मेल डालना, मेल मतलब ऐसा नहीं कि xyz@gmail.com किसके तरफ से गया, नहीं यहाँ पे आपको वही डालना जिस नाम से आपका मेल जेट रजिस्टर किया गया। आप अदर भी डाल सकते हो अपना कस्टम डोमेन के साथ, लेकिन फिर आपको डैशबोर्ड में जाकर ऐड करना पड़ेगा, उसका होता है ना व्हाइट लिस्ट, नॉर्मली हम वही डालेंगे tufanicoder333@gmail.com, ये रजिस्टर्ड है ठीक है उसमें, तो यहाँ पे अब एरर नहीं आएगा जो चीज़ था मेनली, ठीक है। एक बार इसको रिस्टार्ट होने को इसीलिए दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट फ्रॉम में क्वेश्चन बैंक, तो ऐसे ईमेल होता भी नहीं है, बट फिर भी आप ऐसे रैंडम दूसरा डालोगे तो वो फिर आपके मोबाइल पे मेल आ जाएगा कि वेरीफाई होने के लिए वेट किया गया, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है ये हो रहा है। तब तक क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं भाई, फिर से एक बार क्रिएट करना पड़ेगा यार ये, बट पक्का ये लास्ट है, इसके बाद और नहीं आएगा एरर। चलो ये हो गया, यहाँ पे ये लोड हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया, इसको फिर से डिलीट करते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे अपना ईमेल डालना पड़ेगा, मतलब हाँ भाई वीडियो को बहुत कट करके इसको बहुत ही फाइन दिखा सकते थे, लेकिन ठीक है, मतलब एरर तो सबसे होता ना, गलती मतलब है ना, तो वो चीज़ है, लेकिन सॉरी यार टाइम भी तो जा रहा है। और यहाँ पे रांची फिर से, अरे यार हाँ सेव करते हैं, बाहर आते हैं, फिर से ड्राफ्ट दिख रहा है कौनसोल का, के ये रहा, पब्लिश पे करते हैं भाई, इस बार हो जाना यार, इतना टाइम लग गया, हो गया क्या? लग तो रहा, हाँ भाई हो गया। चलो फाइनली ये हो गया ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने के बजाय भाई मेल पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनबॉक्स में वो ना आ गया है, ठीक है बहुत सही है, बहुत सही है। देखो सुब्रतो विश्वास की तरफ से आया, नहीं जो भाई एडमिन मतलब, हाँ ठीक है, तो भाई क्योंकि वहाँ पे मेरा देखो किसके थ्रू से आया, सुब्रतो विश्वास नाम है, और भाई जो ईमेल आया वो ठीक है, यहाँ पे माउस लेके जाने से शायद ये दिखे, खैर जो भी हो, डियर अंकित कुमार, क्योंकि भाई वहाँ पे डाले थे ना एडमिन का नेम, मतलब यहाँ पे हम अपना नाम डाले थे, दो बार दो बार आया था ना सुब्रतो, तो अजीब लगता है देखने में, तो यहाँ पे मान लो भाई ये ईमेल अंकित का, तो डियर अंकित कुमार, फिर वो जो भाई ये था आई होप दिस ईमेल ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से ईमेल है, लास्ट में जो अपना डिटेल्स होता है questionbank.com, ये भी डमी है रैंडम डाल दिया, फ़ोन नंबर होता है ना थैंक्स वगैरह, तो सक्सेसफुल मेल आ गया जब इसका पब्लिश हो गया ठीक है। अब पब्लिश होने के बाद क्या यूज़र को दिख जाएगा, मतलब क्योंकि पब्लिश हो गया तो ना, तो अब API में यहाँ पे आ ही जाएगा उसके नेम से ठीक है, ऑथर के नेम से, अगर आप देखोगे तो अंकित का ये देखो अंकित है ना, अंकित कुमार ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट में था नहीं आया, तो ये चीज़ हमारा फाइनली ये हो गया ठीक है, तो हमारा ईमेल का सेटअप हो गया। और देख लिए कि ईमेल को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम आया क्योंकि यहाँ पे विजुलाइज करना पड़ रहा था कि यही यूज़र फ्रंट एंड से कर रहा है, जबकि फ्रंट एंड ये नहीं है, ऑब्वियसली फ्रंट एंड है, बट ये एडमिन के लिए, यूज़र के लिए तो वेबसाइट से होगा ना, फिर हम लोग इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके टेस्ट कर रहे, थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फाइनली सक्सेसफुली मतलब फाइनली हो गया हमारा ये टेस्टिंग ठीक है। तो बस अब जो है अब हम लोग फ्रंट एंड की ओर बढ़ेंगे, अभी फ्रंट एंड का इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे और फ्रंट एंड से फिर आगे बढ़ते जाएंगे।